नमस्कार दोस्तों, अर्ली पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आप इस चीज़ को नहीं ध्यान से देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है और बैंक से आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है और आप फिर परेशान हो सकते हैं, बुरी तरीके से परेशान हो सकते हैं, छोटी मोटी तरीके से नहीं, बुरी तरीके से। यदि आप बिजनेसमैन हैं, यदि आपका MSMEs है, यदि आप इंडिविजुअल हैं और इंडिविजुअली आपने बिजनेस करने के लिए लोन लिया है, या आप इंडिविजुअली किसी भी तरह का लोन, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट फैसिलिटी इंडिया में किसी भी लेंडर्स, चाहे बैंक हो, NBFCs हो, लोन ऐप कंपनी हो, इनसे लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड लिया है, कुछ भी लिया है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। गलती से भी मत सोच लीजिएगा आप लोग इस चीज़ की जानकारी है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जिसकी जानकारी 100% आपको नहीं होगी। चलिए ब्रेकिंग न्यूज अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इस वीडियो में जानेंगे जो आखिर मोरिटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग 2021 में, यानी इसी साल 2021 से तो चल रही है, में लेने के बाद आपकी जो सिविल में रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बैंक क्या एंट्री करती है, सही क्या है, गलत क्या है, कितनी तरीके से बैंक एंट्री कर सकती है और उसमें क्या कोई डिफरेंस है भी या नहीं है। यदि डिफरेंस है तो उस डिफरेंस का आपके फाइनेंशियल या क्रेडिट प्रोफाइल पर क्या असर पड़ सकता है, नेगेटिव असर पड़ सकता है, ठीक है। यदि नेगेटिव असर पड़ता है तो उसको सही कैसे करेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। RBI की नियम की जो है दोस्तों, धज्जियाँ उड़ रही है, मैंने क्या बोला, धज्जियाँ उड़ रही है, कैसे उड़ रही है ये ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको मालूम ही है, अर्ली वुड को इसलिए जानते हो क्योंकि अर्ली वुड बिना प्रूफ, बिना सबूत का कोई भी बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि अर्ली वुड एक भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित स्टार्टअप है जो हमेशा आपके लिए सच्ची जानकारी लेकर आता है। चाहो तो गूगल पर गूगल करके देख लेना और फिर जो है आपको यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पर अर्ली वुड दिख जाएगा, आपको भारत सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है, आपको यहाँ पर देखेगा, आपको इधर आ जाएगा startupindia.gov.in। ये देखिए इधर दिख रहा है आपको startupindia.gov.in, ये देखिए यहाँ पर आ रही है गूगल पर स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। देखिए, जब आप 2021 में लोन या लोन पर या क्रेडिट कार्ड पर या किसी भी क्रेडिट फैसिलिटी पर जो भी एलिजिबल है उस पर मोरिटोरियम लेते हैं या अप्लाई करते हैं, तो चलिए आगे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यदि आप अर्ली वुड पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन, वीडियो को लाइक शेयर, कुछ भी कमेंट पूछना कमेंट। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यदि आप 2021 में दोस्तों लोन पर मोरिटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग लेते हैं तो आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए, जो अलग बैंक, अलग अलग जितने भी बैंक NBFCs हैं, उन सभी बैंकों की जो क्रेडिट रिपोर्टिंग है उसमें कई सारे डिफरेंस देखने को मिला। जब हम लोगों ने डाटा एनालिसिस किया तो यहाँ पर देखो, HDFC कहता है जो ये अपने बोरोवर्स का अकाउंट को सिविल में रिपोर्ट करेगा रीस्ट्रक्चर्ड। सिविल में क्या रिपोर्ट करेगा, ये देखिए, ये कह रहा है रीस्ट्रक्चर्ड, ये HDFC अपनी FAQs में दिया हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है ये रीस्ट्रक्चर्ड शो करेगा, ये रीस्ट्रक्चर्ड का मतलब दोस्तों, ये कह रहा है ये रीस्ट्रक्चर शो करेगा, इसका मतलब दोस्तों अलग है। जो अभी COVID-19 वाली जो सिचुएशन है, इस केस में जब आप रीस्ट्रक्चरिंग कराते हैं तो ये रीस्ट्रक्चरिंग यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए, जो HDFC ने लिखा है रीस्ट्रक्चर्ड शो करेगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आखिर SBI का देखते हैं, SBI क्या कह रहा है, SBI क्या कह रहा है, ये आपको जानना जरूरी है। SBI कह क्या रहा है दोस्तों, इसको जानने के लिए हम चलते हैं अपनी ही वेबसाइट पर, पीछे चलते हैं यहाँ पर SBI की जो वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर चलते हैं। ये देखिए SBI क्या कह रहा है दोस्तों, इसका FAQs में यहाँ पर जाइएगा तो आपको दिखेगा, ये FAQs है यहाँ पर कॉर्नर में। FAQs को जरा हम एक्सपेंड करते हैं, आपके सामने में लाइव हम खोल रहे हैं। देखिए SBI कह रहा है दोस्तों, ये क्या कह रहा है, ये देखिए SBI कह रहा है अपने FAQs में, जो जितने भी बोरोवर्स है, यदि जितने भी बोरोवर्स है वो यदि रीस्ट्रक्चरिंग या मोरिटोरियम लेता है तो उसका जो सिविल रिपोर्ट है, सिविल में रीस्ट्रक्चर्ड ड्यू टू COVID-19 और स्टेटस ऑफ द अकाउंट, ये शो करेगा, इतना इतना नोट शो करेगा आपकी सिविल में, ठीक है, समझ के बात को। तो दोनों में सही कौन है दोस्तों, सही कौन है ये जानना जरूरी है। SBI कह रहा है यदि आप 2021 में मोरिटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग लेते हैं RBI की रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क पॉलिसी के तहत, तो आपका अकाउंट सिविल में शो करेगा रीस्ट्रक्चर ड्यू टू COVID-19। HDFC क्या कह रहा था, HDFC कह रहा था शो करेगा रीस्ट्रक्चर्ड, सिर्फ इतना ही शो करेगा। ये देखो, आपको यहाँ पर दोनों चीज़ जानना जरूरी है।
देखिए ये जो रीस्ट्रक्चर्ड है दोस्तों, ये नॉर्मल केस में शो करता है। बैंकों के पास ऐसा टूल्स अवेलेबल है, ऐसी पॉलिसी अवेलेबल है, खुदा न खास्ता कोविड के पहले या कोविड के बाद इस पॉलिसी के बावजूद भी यदि आपको कभी फाइनेंशियल दिक्कत आ जाती है तो आप उस केस में भी, रेगुलर केस में आप रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बैंकों के पास अप्रोच करते हैं, तो इन दैट केस बैंक आपके जो आपकी जो सिविल है, आपका जो क्रेडिट जो लोन चल रहा है उस अकाउंट को सिविल में रिपोर्ट करती है रीस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। ये रेगुलर केस में है। यहाँ जो HDFC ने जो दोस्तों करी रीस्ट्रक्चर्ड शो किया है, इसको आप सही करवाएंगे और सही क्या है ये बात करते हैं। ये तो देख लिया HDFC और SBI की। अब चलते हैं दोस्तों हम RBI क्या कहता है, RBI क्या कहता है इस पर चलेंगे। दोस्तों RBI कहता है जो आपकी जो डाटा है दोस्तों, आपकी जो लोन अकाउंट का डिटेल है सिविल में शो करेगा, ये देखिए रीस्ट्रक्चर्ड ड्यू टू COVID-19 स्टेटस ऑफ द अकाउंट, ठीक है। ये क्या कह रहा है RBI क्या कह रहा है, ये है RBI का नियम है, RBI का जो दोस्तों नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को इंडिया में जितनी भी बैंक NBFC है सबको मानना पड़ेगा। RBI कहता है यदि कोई भी बोरोवर्स RBI के रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 5.5.21 के तहत मोरिटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग लेता है तो उसका जो सिविल रिपोर्ट है या CIC क्रेडिट इन्फॉर्म CIC है उसमें रिपोर्टिंग जाएगी रीस्ट्रक्चर्ड ड्यू टू COVID-19, इतना तो जाएगी ही जाएगी। और इधर स्टेटस ऑफ द अकाउंट SBI ने क्या किया, ये पूरा का पूरा डाल दिया रीस्ट्रक्चर्ड ड्यू टू COVID-19 स्टेटस ऑफ द अकाउंट। खैर ये अच्छी, ये इतना डाल दिया ये स्टेटस ऑफ द अकाउंट, ये कोई डालने का कोई ज़रूरी नहीं था लेकिन डाल दिया तो खैर कोई बात नहीं है। लेकिन SBI ने जो डाला है ये करेक्ट रिपोर्टिंग है, ठीक है, ये करेक्ट रिपोर्टिंग है, इतना तो शो करना ही करना चाहिए रीस्ट्रक्चर्ड ड्यू टू COVID-19। ये है एग्जैक्ट रिपोर्टिंग एज पर द RBI नोटिफिकेशन डेटेड 5/5/21, ठीक है, ये शो करेगा। लेकिन HDFC ने ऐसा नहीं किया, HDFC ने सिर्फ बोला जो सिर्फ रीस्ट्रक्चर्ड शो करेगा, जो कि गलत है। इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यदि आपका लोन रीस्ट्रक्चर्ड ड्यू टू COVID-19 शो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ जो आपको नॉर्मल तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं आई है, आपको आई है स्ट्रेस ड्यू टू फाइनेंशियल स्ट्रेस आई है ड्यू टू COVID-19 के वजह से आई है, न कि नॉर्मल तरीके से। अब COVID-19 से पहले जो आपकी जो हैसियत बोले तो आपकी जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है यानी आपकी जो क्रेडिट बिहेवियर था वो सही तरीके से चल रहा था, लेकिन COVID-19 जैसे आया इसके वजह से आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ है। तो सही क्या है दोस्तों, सही ये है रीस्ट्रक्चर ड्यू टू COVID-19, ये करेक्ट रिपोर्टिंग है जो बैंक NBFC या लोन ऐप या जितने भी लोन लेंडर्स हैं इंडिया में उन सबको सिविल में रिपोर्ट करनी है रीस्ट्रक्चर ड्यू टू COVID-19, इतना करेगा या स्टेटस ऑफ द अकाउंट डाल दे जैसे SBI ने डाल दिया वो, लेकिन रीस्ट्रक्चर ड्यू टू COVID-19 शो करेगा, ये करेक्ट रिपोर्टिंग है सिविल में। यदि इसके अलावा कुछ बैंक जैसे HDFC है उन्होंने डाल दिया रीस्ट्रक्चर डाल दिया, जैसे अभी हमने आपको दिखाया इसकी जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क वाली पॉलिसी थी FAQ था आप जाके देख लेना, तो वो गलत है, गलत हम उसको नहीं बोल सकते, वो इनकम्प्लीट है, वो गलत नहीं है इनकम्प्लीट है। और कम्प्लीट क्या है, कम्प्लीट ये है दोस्तों रीस्ट्रक्चर्ड ड्यू टू COVID-19। इसको आप सही कैसे करवाएंगे वो हम अगले, यदि किसी भी बोरोवर्स का लोन अकाउंट में, क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में जिन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग या मोरेटोरियम लिया 2021 में, उसका जो सिविल रिपोर्ट है उसमें यदि सिर्फ रीस्ट्रक्चर्ड शो कर रहा है तो इसको आप करेक्ट करवा लीजिएगा, इनसे बैंक के नज़र में निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि रीस्ट्रक्चर्ड एक नॉर्मल प्रक्रिया, नॉर्मल केस में भी आप लोन या क्रेडिट कार्ड को रीस्ट्रक्चर करवा सकते हैं, ठीक है। और रीस्ट्रक्चर ड्यू टू COVID-19 का मतलब हुआ जो आपको COVID-19 की वजह से दिक्कत आई है, जिसकी वजह से आपको ने रीस्ट्रक्चरिंग करवाया है, इसका मतलब ये हुआ आपको पैसे की दिक्कत थी ही नहीं लेकिन COVID-19 जैसे आ गई इसी के वजह से आपको पैसे की दिक्कत हुई है। इसका मतलब ये हुआ जो जैसे COVID-19 ख़त्म होता है तो आगे चल के आप जैसे COVID-19 से पहले आपकी फाइनेंशियल बिहेवियर थी ठीक उसी तरह से COVID-19 के बाद भी हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ जो RBI ने
5 मई 2021 को कहा था। ठीक है, इतना चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यदि किसी बैंक एनबीएफसी ने रीस्ट्रक्चर शो किया है तो उसको करेक्ट करवा लीजिएगा। और आरबीआई का ये नोटिफिकेशन जो है 5 मई 2021 का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, आरबीआई का ये देखो, आरबीआई का 5 मई 2021 की नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को आप एचडीएफसी का या जिस किसी बैंक ने भी रीस्ट्रक्चर शो किया तो वो इनकम्प्लीट है, उसको सही करवा लीजिएगा। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को सेंड कीजिएगा पूरा, जस्ट उसमें डिटेल आप अपना डाल देना क्या कुछ सही है, तो फिर वो आपका जो रिपोर्ट है सिविल में उसको सही कर देगा। ये सही तरीका है। ठीक है, बाकी एसबीआई ने जो डाला है ये सही है और एचडीएफसी ने जो डाला है वो है तो सही लेकिन पूरा सही नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। ठीक है, तो एचडीएफसी को इसको सही करनी चाहिए। और आने वाले वीडियो में बात करेंगे और डिटेल से, इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल सही क्या है, रीस्ट्रक्चर्ड ड्यू टू कोविड-19, ये एक सही तरीका सही है दोस्तों। और इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।